हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं EGDML क्वेरी कॉन्टेक्सुअल जजमेंट इसी टाइप का क्वालिफिकेशन करने वाली हूँ। साथ में ही मैं रूल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसी टाइप में आपको 6 सेंट पर हिट मिल रहा है और 15 सेकेंड सेफ टाइम है। क्वालिफिकेशन में आपको 5 अटेम्प्ट भी मिल रहा है और 15 हिट्स पर अटेम्प्ट आपको करना होगा। जो भी मेरे चैनल में आज नए आए हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी वीडियो देख रहे हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी टाइप का इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। ऊपर आपको गाइडलाइंस दिया हुआ है और नीचे जो क्वेरी है वो आपको पहले पढ़ लेना है, फिर आपको जजमेंट, नीचे जो क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको जजमेंट देना है। क्वेरी पढ़ के फिर पहला जो क्वेश्चन है वो देखना है कि ये कोई करेंट वेब पेज रिलेटेड कुछ है जिसमें पेज टैब, PDF पेपर, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्स, बुक, वीडियो ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है या फिर इसके बारे में बोल रहा है, तो फिर हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम ही आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद 6 या 7 ऑप्शन ओपन होता है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हो जैसे पेज, सेक्शन, वीडियो, टेबल, फिगर, जनरल और नन, ये ऑप्शन है। अगर क्वेरी पेज रिलेटेड है तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, अगर चैप्टर या सेक्शन रिलेटेड है तो फिर सेक्शन सिलेक्ट करना होगा, वीडियो रिलेटेड है तो वीडियो सिलेक्ट करना है, टेबल रिलेटेड है तो टेबल सिलेक्ट करना है, फिगर रिलेटेड है या FIG फिग लिखा हुआ है तो फिर फिगर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और जनरल अगर इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ना हो तो फिर जनरल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। और नन ऑप्शन मेनली आप फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सिलेक्ट करो तो ही आपको नन ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें समरी, ट्रांसलेट क्वेश्चन एंड अदर ऑप्शन मिलेगा। समरी में आपको देखना है, समरी मेंशन किया हुआ है क्वेरी में तो फिर आप समरी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ट्रांसलेट रिलेटेड है तो फिर ट्रांसलेट सिलेक्ट करोगे, क्वेश्चन रिलेटेड है तो क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, और इस ये 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं हो तो फिर अदर ऑप्शन आप सिलेक्ट करना होगा। आप गाइडलाइन में जो जो एग्जांपल दिया हुआ है वो देख देख के आप अगर करो तो और भी इजी हो जाएगा ये टास्क। कुछ बोनस टिप्स मैं वीडियो के अंदर दे दूंगी, तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेरी है वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसको हमें ट्रांसलेट करके फिर जजमेंट देना होगा। तो पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं फिर जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेन टेबल 5, तो पहला ऑप्शन 1 ही होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन टेबल मेंशन किया हुआ है तो टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन में मैं समारी कर रही हूँ पर ये मैंने गलत कर दिया, तो ये आपको अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है ये भी सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन चैप्टर 8, तो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर मतलब आपको सेकंड ऑप्शन में सेक्शन सिलेक्ट करना होगा, फिर लास्ट में अदर ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर देती हूँ। ऐसे ही जो जो इंग्लिश में नहीं आया है क्वेरी वो ट्रांसलेट करके पूरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, और बीच में ज़रूर से मैं वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी।
तो जो ट्रिक्स मैं बता रही थी वो है, अगर आपके क्वेरी में पेज ऑप्शन आता है तो आपको पेज ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, टास्क टू में पेज ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, उसके बदले आपको जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्योंकि बहुत टाइम से काम करके देखा कि आप अगर पेज ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर फेल हो जाओगे या तो फिर एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो ऑलवेज पेज लिखा हुआ है क्वेरी में तो आपको जनरल ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। मैंने क्वालिफिकेशन क्लियर कर लिया है और आपको ये क्वेरी अच्छे से पढ़ लेना है और देख के टाइम लेके आपको ये सबमिट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।